अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। ऐसे हमारे ऋषि पुरुष सम्मानीय श्री प्रेम जी गोयल जी हमारे अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिनसे मुझे व्यक्तिगत रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी देखरेख में मुझे बहुत कुछ काम करने का मौका मिला और समझने का मौका मिला। ऐसे हमारे राजकुमार भाटिया जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और लोकसभा में मेरे साथी और दिल्ली के सांसद सम्माननीय हर्षवर्धन जी, हम सब लोगों को हमेशा प्रेरणा देने वाली और समाज के कार्य में तल्लीन एक सामाजिक प्राणी के रूप में समाज को दृष्टि और दिशा देने वाली ऐसी हमारी बहन किरण चोपड़ा जी, जो मुख्य संरक्षिका हैं हमारे चौपाल की, हमारे बहुत ही आदर के योग्य हमारे सम्माननीय अवतार सिंह जी, शाह जी, हमारे धर्म के दृष्टि से हम सबको दिशा देने वाले, और हमारे रवि बंसल जी, विनोद गोयल जी, जितेंद्र महाजन जी, हमारे अंकुश जी, हमारे सुनील सेठी जी, हमारे विकेश सेठी जी, जिला के चांदनी चौक के अध्यक्ष और आज के मंच संचालक, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में चौपाल प्रेमी जो यहाँ एकत्र आए हैं, जो इस सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, और हमारे भोलानाथ जी के परिवार के सभी सम्मानित सज्जनवृंद, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, और यहाँ उपस्थित मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। वैसे चौपाल के कार्यक्रम में आना मुझे पिछले साल भी मौका मिला था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अगले कार्यक्रम में जब मैं आऊंगा तो इस कटु सत्य से आमना सामना होगा कि जिस पिछले कार्यक्रम में सम्माननीय हमारे स्वर्गीय भोलानाथ विद जी कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे, आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर मुझे आना पड़ेगा। मन को विश्वास नहीं होता और कभी भी ऐसा जहन में भी नहीं आता था कि इस तरीके की घड़ी आएगी जब मुझे उनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आना पड़ेगा। लेकिन विधि के आगे, विधि के विधान के आगे हम सब लोग मजबूर हो जाते हैं, और आज मुझे उनके प्रथम पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनके प्रथम पुण्यतिथि पर इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके और चौपाल को एक बड़े आयाम पर ले जाने का जो प्रयास किया है, ये सही रूप में उनके जीवन में किए गए कार्य के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं पहले संघ का कार्यकर्ता, संघ की प्रेरणा से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, और बाद में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। मैं यहां पूर्णकालिक के रूप में, मुझे याद है 1986 में मैं दिल्ली संगठन के काम को करने के लिए आया था, और राजजी हमारे पालक कार्यकर्ता, जिनके पास एक नौजवान जो सामाजिक काम में और राजनीति और विद्यार्थी क्षेत्र के काम में जुड़ता है, तो उसकी जो मुसीबतें आती हैं उन मुसीबतों से पार कराने वाले ऐसे हमारे राजकुमार भाटिया जी का हमको सानिध्य मिला। उनके वक्तव्य में मैं शुरू में जब आया तो हर मुलाकात में भोलानाथ विद जी की बात आ जाती थी। भोलानाथ विद जी ने ये कहा, उनके साथ इस तरीके की बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा, हम गए थे, भोलानाथ जी से बात हुई थी। फिर मैंने एक दिन राज जी से कहा कि
मैं मिला नहीं हूँ, मुझे भी आप भोलानाथ जी से मिलाइए। तो इन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा, अच्छा तुमको नहीं मिलाया मैंने? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अगली बार फिर हम मिलेंगे। और पहली बार मेरी मुलाकात 1986 के ही अंत में भोलानाथ जी से की हुई। और उनका जो आभा मंडल थी, उनकी जो एक व्यक्तित्व था, वो हमेशा साथ जोड़ने वाला व्यक्तित्व था। उनकी मुस्कुराहट, उनका धैर्य, उनका संयम, और एक जिसको कहते हैं कि चेहरे पर हमेशा एक एक खुशी की वाला व्यक्तित्व दिखता था, और सबको समावेश कर लेने वाला व्यक्तित्व दिखता था। ऐसे हमारे भोलानाथ बिज जी थे। मुझसे कहा जाएगा तो मैं कहूंगा कि भोलानाथ जी, जिनको संस्कार स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मिले, आदरणीय प्रेम जी गोयल जैसे हमारे ऋषि पुरुषों से उनका सानिध्य हुआ, उन्होंने अपना जीवन उसमें लगाया, और संघ की प्रेरणा से फिर वो हर क्षेत्र में गए, विद्यार्थी क्षेत्र में भी गए, राजनीतिक क्षेत्र में भी गए, सामाजिक क्षेत्र में भी गए। मुझसे अगर कहा जाएगा तो मैं यही कहूंगा कि उनका व्यक्तित्व सत्य की खोज में सारी जिंदगी लगा रहा। वो सब जगह एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में वो कार्य करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उससे जोड़ करके भी रखा, और अपने व्यक्तित्व में जो उनका कार्य की जो जिम्मेवारी था उसके साथ भी जोड़ करके रखा, और हमेशा सत्य क्या है, ठीक क्या है, मेरे लिए क्या है, मैं किस में अच्छा हो सकता हूं, ऐसी सोच उनकी हमेशा चलती रही। और मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में भोलानाथ द्वीज जी को जीवन का मिशन मिला, तो जब वो चौपाल के काम में जुड़े तो उनको जीवन का मिशन मिला, उसके साथ उन्होंने अपने आप को समावेश कर लिया और अच्छी तरीके से समावेश कर लिया। मैं यहां बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन चौपाल तो शायद 2010 में शुरू हुई, लेकिन राज जी को याद होगा कि चौपाल का एक बड़ा रूप, एक बार मैं राज जी से बोलने आया कि राज जी मेरा एक साथी एक आर्थिक संकट में फंस गया है, याद है राज जी? और मैंने कहा कि एक मेरा साथी आर्थिक संकट में फंस गया है, उसे 10 महीने के लिए एक बड़ी राशि चाहिए। तो राज जी ने कहा कि भोलानाथ जी ही इसमें मदद कर सकते हैं। हम दोनों भोलानाथ जी के पास गए थे, उस समय न चौपाल था न ये योजना थी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे संपर्क में मैं पहली बार मैंने ऐसी स्थिति आई, और उन्होंने मेरे साथी की मदद की, और हमने भी समय पर ही आर्थिक पूरा वापस किया, लेकिन एक बहुत बड़ी राशि उस समय उनके मदद से हमें मिली थी और हमारे साथी का काम हुआ था। ये मैं राज जी भूल गए होंगे लेकिन याद आ गया। तो इसलिए चौपाल तो बाद में आया, लेकिन ये उनके जीवन का मिशन था। और मैंने ये कहा था कि मैं ये राशि ब्याज के साथ देने वाला हूं। उन्होंने कहा इसकी क्यों चिंता करते हो, तुम लेने वाले बनो, बाकी सब हो जाएगा। इस तरीके का भोलानाथ जी का व्यक्तित्व था, इसको हम सब ये ध्यान में रखें। ऐसे ही जब हम भोलानाथ जी को याद करते हैं, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जीवन हम समर्पित भाव से, जिस तरीके से उन्होंने समाज की सेवा की, हर कोई उस समय डर रहा था, संस्थाएं प्रायः रुक सी गई थी, संगठन का काम रुक था गया था, लेकिन भोलानाथ जी ने अपने जीवन की चिंता न करते हुए चौपाल का काम चलाए रखा, और हमारे बहनें जो मुसीबत में थी उनको रास्ता दिखाने का काम किया, और
मैं तो ये भी कहूंगा कि इसी कारण, मतलब उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को समावेश किया, उसी कारण कहीं ना कहीं वह बीमारी भी उनके साथ लग गई और वह हमारे बीच में नहीं रहे। ये सही रूप में कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज के लिए काम करते करते अपना जीवन दिया है, ये सही रूप में कहा जा सकता है। सब साथियों ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूं, ये काम कौन करेगा। अभी कोरोना के दौरान तो हमारी महिलाएं और मुसीबत में हैं, और डिप्रेशन में हैं, और समस्या में हैं, उनकी इस समय देखरेख नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये भोलानाथ जी का कहना था। ऐसे हमारे भोलानाथ जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और चौपाल ने भी कम अवधि में 2010 से यानी 11 साल के उसमें अपने आप को जो आगे बढ़ाया है। मैं अभी मदनदास जी से मिला था, मदनदास जी बड़े गौरवशाली तरीके से इस बात को कहते हैं कि चौपाल ने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया है और इसको और बढ़ना है, और आगे जाना है। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को छोटी अवधि में अपने ऋण के माध्यम से खड़ा करना, और मैं तो ये भी कहूँगा कि पिछली बार जब आए थे तो मैंने कुछ बातें जानकारी हासिल की थी, लेकिन उससे मेरी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई है। यह भी एक चिंतन का विषय है कि बड़े बड़े बैंक्स और बड़े बड़े लोग बड़े लोन दे करके भी उनका पैसा वापस नहीं आता, लेकिन साधारण छोटे लोगों को भी मदद करने पर 98% रिकवरी, 99% रिकवरी होती है, इसको भी हमको समझना है। ये स्टडी करने वाला विषय है और इसमें से हमको अपने भारत की मजबूती को समझने का विषय है, चौपाल की मूल धारणा को समझने का विषय है कि चौपाल ने जो अवधारणा रखी उसके साथ समाज कितने बलशाली तरीके से खड़ा हो रहा है और समाज को इस तरीके का बल देने की कितनी आवश्यकता है, इस बात का भी सूचक होता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, बड़ों की सेवा तो सब कोई कर देते हैं, लेकिन छोटों की सेवा करना ही सेवा होती है, वही सही मायने में सेवा होती है, और इसलिए उनको अपने साथ समावेश करना। और हमारे भारत देश, इसकी इकॉनमी, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल हु आर स्टैंडिंग एट द लास्ट पेडेस्टल ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको मजबूती पायदान करने की जरूरत है, उसको खड़ा करने की जरूरत है, इस बात को उन्होंने कहा। कांग्रेस ने अपने 70 साल में क्या किया, बांटते चले गए और चुनाव के दौरान एहसान जता करके वोट लेते रहे, लोगों को खड़ा नहीं किया, उनको मजबूती प्रदान नहीं की, उनके दिल में स्वभाव स्व पैदा करने की कोशिश नहीं की। अगर की होती तो ये स्थिति नहीं आती कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को आना पड़े और 10 करोड़ बहनों को इज्जत घर देना पड़े, शौचालय देना पड़े और इस देश को स्वाभिमान के साथ खड़ा करना पड़े। आप सोचिए 2014 के पहले कैसा देश होगा जहां 10 करोड़ परिवार अपने दैनिक जीवन के कर्तव्य के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करते होंगे और जब सूर्यास्त होता होगा तब अपने दैनिक क्रिया के लिए जाते होंगे या सूर्योदय से पहले जाते होंगे, क्या महिलाओं की स्थिति होगी। मोदी जी ने उनको एहसान से नहीं दबाया, उनको सशक्तिकरण दिया कि तुम इज्जत से जियो, ये तुम्हारा इज्जत घर है, इसको समझो। और छोटी संख्या नहीं है, जिस देश की 130 करोड़ की जनसंख्या हो और वहां 10 करोड़ शौचालय बने और एक शौचालय को इस्तेमाल करने वाले कम से कम 5 से 6 व्यक्ति यानी परिवार की इज्जत बनती हो, इस बात को समझना चाहिए। यह है बदलता भारत। हमसे कई कांग्रेसी पूछते हैं बदलता भारत, मैंने कहा तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि तुम तो रोजगार से बेरोजगार हो गए, लेकिन यह है बदलता भारत जिसको हमको समझना पड़ेगा। उज्ज्वला योजना, ये छोटी योजना नहीं थी, उन्होंने सशक्तिकरण किया। हमारी बहनें, मुझे मालूम नहीं, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मुझे मालूम नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, गांव की बहनें सुबह 5 बजे उठकर
जंगल में जाकर लकड़ी काटकर, सूखी लकड़ी हो या गीली लकड़ी हो, बारिश हो तो गीली लकड़ी काटकर वापस घर आती हैं, चूल्हा जलाती हैं, 200 सिगरेट का धुआं अपने अपने लंग्स को लेती हैं, अपने फेफड़ों में लेती हैं, तब जाकर के सुबह की चाय बनाती हैं। आज 8 करोड़ बहनों के घर में सिलेंडर पहुंचाकर मोदी जी ने 5 मिनट में चाय बनाने वाला बनाया। ये छोटी घटना नहीं है, ये बदलता भारत है, ये बदलता देश है जिसको हमको समझना चाहिए। LED बल्ब मुफ्त देना, उज्ज्वला, लगभग 18,000 गांव थे 2014 में, 18,000 विलेजेस जिनमें बिजली नहीं थी, क्या जीवन होगा? सूर्यास्त के साथ साथ लालटेन साफ करते होंगे, बच्चा पढ़ने कैसे जाता होगा, टेलीविजन से कोसों दूर होंगे, फ्रिज की कल्पना नहीं कर सकते होंगे, सामर्थ्य होने के बावजूद भी नहीं कर सकते थे। आज 18,000 गांव को 100% बिजली पहुंचाई गई है, यह हमको समझना चाहिए। करोड़ों लोगों को, घरों को, हाउस होल्ड को बिजली दी गई है। और आयुष्मान भारत, ये नहीं कहा कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है, हो ना हो, एक्सरे हो ना हो, सिटी स्कैन हो ना हो, मेरी भला से हमने मुफ्त डिक्लेयर कर दिया, हो ना हो चलता रहेगा। आयुष्मान भारत, लगभग 12,74,00,000 परिवार, यानी 55 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% आबादी। और ये कौन लोग हैं? जाति से नहीं है ये लोग, ये लोग प्रोफेशन से हैं। रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रैग पिकर, बार्बर, जो हमारे बाल काटते हैं, ऐसे लोग जो प्रोफेशन से काम करते हैं, उनको, ऐसे लोगों को, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना परिवार को हेल्थ कवरेज दिया गया, ये हमको समझना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर किसी के घर में, पहले, इससे पहले आयुष्मान भारत के पहले, किसी के घर में, गरीब के घर में कैंसर किसी को हो जाए तो जमीन बिक जाती थी। परिवार के लोग बोलते थे भगवान भरोसे हमने छोड़ दिया, क्योंकि इलाज करा नहीं सकते, कीमोथेरेपी करा नहीं सकते, उतने पैसे हमारे पास है नहीं। लेकिन आज उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर है, यह है सशक्तिकरण का तरीका। और चौपाल से जिस तरीके से आपने माइक्रो फाइनेंसिंग की है, लोगों को जोड़ा है, उनको जीवन में खड़ा करने का काम किया है, यह सबसे बड़ा काम है। अगर हमको साधारण आम आदमी को मजबूती देनी है और उसको खड़ा करना है, उसका ये काम है। मैं चौपाल के सभी मित्रों को, आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारा कार्य बड़ा है, ये दिल्ली, हरियाणा, थोड़ा सा पंजाब में सीमित रहने वाला नहीं है, इसके लिए हमको बड़े स्केल में सोचने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चौपाल के हमारे कर्ता धर्ता सब लोग मिल करके इस काम को करेंगे ही। किरण जी जिस प्रेम से और जिस लगन के साथ वो लगी रहती हैं, वो इसके प्लानिंग में लगी रहती हैं, संरक्षिका के रूप में, मुख्य संरक्षिका के रूप में। हमारे गुरुदेव जी, हमारे जो अपने आदरणीय अवतार जी हैं, उनका जो धर्मगुरु जी का जो हमको आशीर्वाद मिलता है, सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम को और बड़ा बनाएंगे। बहुतों तक पहुंचना बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है, लंबी यात्रा की तैयारी हमको करनी है। चौपाल के कई मोड़ आएंगे, सब मोड़ पर हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप सब लोग इस काबिल जुटेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से तो मैं चौपाल के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी मुझसे बन सकेगा वह मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करूँगा। आपने मुझे आने का मौका दिया, और मुझे जब बताया गया कि भोलानाथ जी की प्रथम पुण्यतिथि है, तो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, जैसे भी होगा मैं आऊँगा। मुझे आने का मौका मिला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का ABP News,
आपको रखे आगे।